अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स हॉट 9 का साउंड कैसा है। जो इन्होंने DTS साउंड सिस्टम इसमें दिया हुआ है वो वाकई काम करता है या नहीं, और अगर करता भी है तो कितना करता है। तो जो नए आने वाले यूज़र हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। मैंने इसके काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं, तो जो भी लोग ये हॉट 9 बाय करना चाहते हैं वो लाजमी वीडियोस देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा वीडियोस के। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके यानी के साउंड में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है सेटिंग्स में, तो फिर मैं आपको साउंड भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए मीडिया वॉल्यूम मैंने 100% पे रखा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, अलार्म वॉल्यूम दिया हुआ, रिंग टून वगैरह दिया हुआ, वाइब्रेशन दी हुई है, डू नॉट डिस्टर्ब दिया हुआ है, और इसमें इन्होंने डायल पैड टून्स दी हुई है, स्क्रीन लॉक साउंड दिया हुआ है, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन दी हुई है, टच साउंड दिया हुआ है, टच वाइब्रेशन दी हुई है, साउंड इन्हेंसमेंट दी हुई है, और DTS साउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ DTS इनेबल। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पर म्यूज़िक की ऑप्शन पे भी सेट किया जा सकता है, वीडियो की भी, अगर हम मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। गेम्स के लिए भी दिया हुआ है और एकुलाइज़र भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका यानी कि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो हैंड फ्री मेरे पास ये सैमसंग की है ओरिजिनल, तो इसके साथ यानी कि ये देखें सैमसंग की है मेरे पास ओरिजिनल हैंड फ्री, तो इसके साथ क्वालिटी इसकी साउंड की बहुत अच्छी है। तो अगर आप हैंड फ्री के साथ सुनना चाहते हैं म्यूज़िक वगैरह तो फिर आपके पास अच्छी हैंड फ्री होनी चाहिए, फिर आप इंजॉय कर पाओगे। चलिए मैं आपको अब कुछ प्ले करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ से DTS को ऑफ कर दिया, मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। हो सकता है आपको वीडियो में इतना ना यानी कि पता चल रहा हो, तो लेकिन ये रियलिटी में काफ़ी यानी कि फ़र्क पड़ता है इसमें फ्रेंड्स। इसका यानी कि जो साउंड है ना काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है और क्लियर भी है। मैंने आज तक जितने भी मोबाइल्स यूज़ किए हैं मुझे तो सबसे ज़्यादा यानी कि लाउड इसका यानी कि स्पीकर लगा है, काफ़ी ऊँची आवाज़ है और साउंड भी बहुत अच्छा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।